आज मैंने बनाए हैं साबूदाना बड़े और साथ में थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी भी। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। ये बहुत ही सिंपल होते हैं बनाने के लिए और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने शिवरात्रि के व्रत के लिए वैसे बनाए थे और आप चाहें तो इसे कभी भी बना सकते हैं। तो साबूदाने को मैंने भिगो लिया था और देखिए साबूदाना कितना अलग अलग हुआ है यहाँ पर। तो इसी तरह का साबूदाना हमें चाहिए, इसे बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अलग अलग बूंदें इसमें जो दाने हैं वो अलग अलग मोतियों की तरह इस तरह बिखरती हुई दिख रही हैं। तेल गरम हो चुका है, उसमें मैंने मूंगफली को भून लिया है यहाँ पे और हरी मिर्ची भी मैंने एक या दो यहाँ पर काट के डाल ली है और थोड़े से उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर भी इसमें डाल दिया है और आज मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, जो व्रत का नमक होता है। और उसके बाद ये मोतियों की तरह दिखने वाले साबूदाने तो इसमें डाल दिए हैं मैंने और अब इसको चलाएँगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो जाएं। और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। आप अगर वैसे खा रहे हो तो इसमें आप नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, पर व्रत के टाइम पे आप इसे इसी तरह खा लीजिएगा। तो धनिया इसमें ऊपर से मैंने डाल दिया है और ये बन चुकी है मेरी साबूदाने की खिचड़ी। और अब हम बनाएंगे बड़े। तो 2 से 3 आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और ये है कद्दूकस किया हुआ नारियल और हरी मिर्ची, और उसके साथ मैंने यहाँ पे धनिया भी डाल दिया है और ये मूंगफली का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मैंने साबूदाना भी इसमें ऐड कर लिया है। साबूदाना कम से कम 250 ग्राम मैंने यहाँ पे यूज किया 2 से 3 आलू के साथ। तो इस तरह इसको मिक्स कर लीजिए। ऊपर से डालिए इसमें सेंधा नमक, आप नॉर्मल बना रहे हो तो आप साधारण नमक इसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद बर्तन यहाँ पर देखिए कितना छोटा हो गया है, तो दूसरे बर्तन में अब इसको मैं डाल रही हूँ जिससे कि मैं इसकी टिक्की बना सकूँ। और बचे हुए साबूदाना भी इसमें मैंने मिक्स कर लिया है अब। तो इस तरह अब इसकी बना लेंगे टिक्की। तो टिक्की जो बनानी है वो बिल्कुल एकदम टाइट बनाइए इस तरह दबा दबा के, जिससे कि ये जब हम इसको तलें तो ये बिल्कुल टूटे ना। तो इस तरह टिक्की बना के पहले रख लीजिएगा, उसके बाद इसे गरम तेल में तल लीजिएगा। तो गरम तेल में तो डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी आंच धीमी कर ली है जिससे कि ये अंदर से तो सॉफ्ट रहें और बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो चलिए मेरे साबूदाने के बड़े भी यहाँ पर बन रहे हैं और देखिए कितना सुंदर कलर इसमें आया हुआ है। तो ये बन चुके हैं साबूदाने के बड़े और आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बन चुके हैं मेरे साबूदाना बड़े, जो खाने में तो होते हैं एकदम करारे, टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।